दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक गैलरी में। दिल्ली के लाडोसराय स्थित एग्जीबिट 320 में इन दिनों एक प्रदर्शनी चल रही है, जिसका शीर्षक है फ्लो इन फ्लो। इसकी क्यूरेटर हैं जैसल ठाकेर। प्रदर्शनी में चार कलाकार शामिल हैं, मनीष पुष्कले, स्मृति दीक्षित, सोमाक्षी सिंह और प्रिया सुंदरवल्ली। फ्लो यानी बहाव और इनफ्लो यानी भी बहाव, लेकिन यहाँ इनफ्लो है आंतरिक बहाव। प्रदर्शित कलाकृतियों में बहाव को रूप के स्तर पर कलाकारों ने अपनी भाषा में रचा है और इसी रचाओं में आंतरिक बहाव निहित है। आंतरिक बहाव जो भाव व विचार के स्तर पर होता है, यह कलाकृतियाँ देखने वालों को रूप के साथ ही भाव व विचार के स्तर पर भी बहा ले जाती हैं। तो स्वागत है एक बार फिर आपका, आइए चलते हैं प्रदर्शनी में। प्रिया सुंदरवल्ली के सेरामिक शिल्प की एक ऐसी दुनिया है जहां आकार का कोई महत्व नहीं है, जहां सिर्फ भाव ही महत्व रखते हैं। अनगढ़ शैली के इन सेरामिक वर्क्स में भावनाओं की मूक अभिव्यक्ति जीवन की धड़कन को व्यक्त करती है। सोमाक्षी सिंह के चित्र प्रकृति के साथ हमारे संबंध की अभिव्यक्ति है, मानवीय संबंध की अभिव्यक्ति है। धागों के जाल पर पौधों व पत्तों की सीमित आकृतियाँ प्रकृति के महत्व को बताती हैं, पर इससे बढ़कर वह यह सवाल उठाती हैं कि मनुष्य ने प्रकृति को किस तरह तार तार कर दिया है। स्मृति दीक्षित कपड़ों के साथ अपनी कला को एक नया आयाम देती हैं। वह कपड़ों के टुकड़ों, धागों, पिगमेंट और अन्य सामग्रियों को मिलाकर अमूर्त संरचनाएं रचती हैं। पेंटिंग जैसी संरचनाओं के साथ साथ वह इंस्टॉलेशन भी करती हैं। उनकी रचनाएं अमूर्त हैं, लेकिन दर्शकों को एक खुला आकाश देती हैं कि वह उनकी रचनाओं के साथ अपने विचारों की उड़ान को एक नई दिशा दे सके। उनका इंस्टॉलेशन एक देशज संदर्भ रखता है। देशज संदर्भ इस अर्थ में कि गांवों में घरों के दरवाजों पर चिड़ियाओं की जो झालरें लगाई जाती थी, कहीं कहीं उसकी एक झलक, उसकी एक याद हमें स्मृति दीक्षित के इंस्टॉलेशन को देख करके आती है। मनीष पुष्कले एक स्थापित चित्रकार हैं, अमूर्त चित्रकारों में उनका अपना विशेष स्थान है। मनीष पुष्कले का कला संसार बहुत व्यापक है। भौगोलिक संरचनाओं के साथ उनका पुराना संबंध रहा है। अमूर्त भूदृश्यों में जीवन की पारदर्शिता को वह व्यक्त करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने परंपरागत कांथा अर्थात तुरपाई जैसी लोक जीवन की क्रिया को एक नई विचार दृष्टि से रचा है। आइए जानते हैं मनीष पुष्कले से अपनी इस कला के बारे में कि वह क्या कहते हैं। दोस्तों, यदि आप रेडियो मनमीत पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और हाँ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हम आपके सहयोग से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मनीष जी, इस नए काम के बारे में, हालांकि तो नया नहीं रहा क्योंकि पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार ये छोटे छोटे काम और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इस काम के विचार की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब गणेश देवी, जो कलाविद हैं, शिक्षाविद हैं और जिन्होंने भाषाओं के स्मृति को लेकर बहुत काम करा, उनके संरक्षण संवर्धन को लेकर उनका बड़ा काम है, तो हमारे रजा फाउंडेशन की एक व्याख्यान माला में वो दिल्ली आए हुए थे और उस व्याख्यान में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी जो कि सच्ची कहानी है। वो कहानी कुछ इस तरह की है कि अंडमान में जो बोट ट्राइब्स होते हैं, उन बोट ट्राइब्स में से एक महिला ने, जिसका देहांत 26 जनवरी 2010 को हो गया, अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में शासन से पत्र लिख के, 100 पत्र लिखे उन्होंने और शासन से आग्रह करा कि उनके पास एक ऐसी विद्या है जो लगभग 6,500 वर्षों से उनके समूह के बीच है, और यह विद्या थी मनुष्य की पक्षियों से बात करने की।
तो वो ये बोली कि क्योंकि उनके बाद किसी और ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है और उनके बाद ये विद्या यहीं पे समाप्त हो जाएगी, तो क्यों ना इसका कुछ संरक्षण किया जाए। और वो इसको आर्काइव करना चाहती थी जो कि शासन के सहयोग के बिना संभव नहीं था। बहरहाल उनकी उनके आग्रह धरे के धरे रह गए और उनका देहांत हो गया। ये जो इस संस्मरण में जो व्यथा है उसने मुझे बड़ा छुआ और मैं सोचता रहा कि ये एक आधुनिक समय की 21वीं शताब्दी के पहले दशक की एक बड़ी घटना है जिसमें कि एक भाषा अपने 6500 वर्षों के इतिहास के साथ समाप्ति पे आ जाती है और इसको लेके हमारे जगत में कहीं पे कुछ हलचल नहीं होती, कुछ उठापटक नहीं होती, कोई विचार नहीं होता। मैं सोच ही रहा था और बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद ये विचार पौंधा कि क्यों ना इसको लेके कुछ एक काम किया जाए, एक चित्रकार की हैसियत से हम चित्र ही बना सकते हैं। फिर एक बात और समझ में आई कि क्योंकि ये भाषा मौखिक परंपरा की भाषा थी, इसकी कोई लिपि नहीं थी, तो यहां से मुझे एक अवसर मिला कि चित्रकार की हैसियत से क्यों ना इसकी लिपि के बारे में विचार किया जाए और अगर ये भाषा लिपिबद्ध होती तो इसकी लिपि कैसी होती है? क्योंकि ये मनुष्य और पक्षियों के बीच का संवाद था इसलिए लिपि नहीं थी। मनुष्य और मनुष्य के बीच के संवाद में भी लिपि नहीं होती है लेकिन फिर भी हम हर चीज को लिपिबद्ध करने का प्रयास तो करते ही हैं। यहां पे बात यह थी कि भाषा जो है वो अपने अस्तित्व से जा चुकी थी और ये जो लिपि बनाने का जो उपक्रम जो मैंने करा है तो ये 100 कैनवस में एक तरीके से उस भाषा की शब्दावली है। वो भाषा जो लिपिबद्ध नहीं थी, जो लिपि में थी ही नहीं, वो ध्वनि भी अपनी बची है, तो ये ध्वनि की स्मृति भी है। तो इसलिए इसमें आप एक किस्म का धूमपन देखेंगे, अंतर धूमपन देखेंगे और ये विचार इस पूरी श्रृंखला में लगातार बना रहा और इस तरीके से ये श्रृंखला अपने अस्तित्व में आई। आप एक चीज और देखेंगे कि इनमें एक किस्म की स्टिच जो बुनाई का जो भाव है वो भी कुछ समय से चले ही आ रहा है। ये अब इसको लेके लगभग मेरी तीसरी प्रदर्शनी है तो इसके पीछे भी वही भाव है कि जो विस्मृत है और जो स्मृति योग्य है उनको कैसे संबंध उनका बिठाया जाए, उनको कैसे एक तल पे लाया जाए। वो जो निर्मल जी बोलते ना एक चुटला सुख, तो मैं अनेक चित्रों के सुख की बात कर रहा हूं, उसकी भी तुरपाई की आवश्यकता पड़ती है। एक बात और है कि एक आम साधारण आदमी भी, सड़क पे चलता हुआ आम साधारण आदमी भी इन चित्रों के साथ एक संबंध बनाता है क्योंकि ये तुरपाई का जो उपक्रम है हर परिवार में, हर जीवन में, हर सभ्यता में, हर घर में उपलब्ध है, तो उसको लगता है कि इसमें कुछ है जिसको हम जानते हैं। अमूर्तन को लेके जो एक विस्मय और एक कौतूहल जो एक आम आदमी के बीच में रहता है वो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा कम होते हुए, थोड़ा सा झड़ते हुए देखा। और ये सुखद है कि एक आम आदमी भी अपने स्मृति, अपने संस्कार, अपने सरोकार और अपने जीवन की झलक के साथ इन चित्रों में अपना सानिध्य पाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।